गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 50 निकालिए, 50। आज हम औ का अभ्यास देखेंगे, औ का अभ्यास। तो बच्चों ये चित्र देख रहे हो, ये चित्र देख रहे हो, तो बच्चों इन चित्रों से हमें औ औ अक्षर के शब्द मिलने वाले हैं, जैसे कि औरत, औषध, औजार, औलाद। औरत उमन, औषध मेडिसिन, औजार इंस्ट्रूमेंट्स, औलाद चाइल्ड। तो बच्चों जैसे हमें पिछले पार्ट में हमने ओ का अभ्यास देखा, उसके बाद हम देखेंगे औ का अभ्यास। ओ का अभ्यास हमने देखा तो हमें एक का ना एक मात्रा का अभ्यास हमने किया था, जैसे कि ओ का अभ्यास इसे कहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों औ यानि दो मात्रा, एक काना और दो मात्रा। औ की मात्रा व्यंजन में अ की मात्रा के साथ ऊपर ऐसे ये चिन्ह होते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही चिन्ह होते हैं, जैसे कि इसे एक काना और ऊपर दो मात्रा इस तरह लगाई जाती है। जैसे कि इसे क्या कहते हैं, कोई भी व्यंजन में, कोई भी व्यंजन में जैसे क से श्र तक हमारे जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजन को ये चिन्ह लगाया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है, और इन चिन्ह लगाने के बाद अक्षर बनता है और एक और दूसरे अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है। जैसे ये चित्र देखकर हम ये शब्द बोल सकते हैं, जैसे कि औ की मात्रा व्यंजन में अ की मात्रा के साथ, जैसे औ हम बोलते हैं तो व्यंजन में अ की मात्रा के साथ ऊपर ऐसे ये इस तरह ये चिन्ह लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, एक का ना दो मात्रा इसे कहते हैं। जैसे कि देखो ये म है, म यानी क्या है, ये व्यंजन है, म प्लस औ की मात्रा मऊ, यानी ये बच्चा जो यहाँ बैठा है वो बिना बोले बैठा है, उसे क्या कहते हैं, मौन यानी स्पीचलेस। तो जैसे म प्लस औ की मात्रा, औ की मात्रा भी बोल सकते हैं और एक काना दो मात्रा भी कह सकते हैं, एक काना दो मात्रा मऊ मौन स्पीचलेस। द प्लस औ की मात्रा दौ दौड़, ये लड़का दौड़ रहा है ना, तो ऐसे बच्चों ये हमें ये चित्र देखकर ये हमें शब्द मिलता है। क प्लस औ की मात्रा कौ कौवा, ये कौवा है ना, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्राउ। द प्लस औ की मात्रा तौ तौलिया, ये तौलिया टॉवेल। भ प्लस औ की मात्रा भौ भौरा यानी टॉप, ये भौरा। तो ऐसे ही बच्चों हमने इन व्यंजनों को ये औ की मात्रा लगाने के बाद ये अक्षर तैयार हुआ, जैसे म का मऊ, द का दौ, क का कौ, त का तौ, भ का भौ। जैसे मौन दौड़ कौवा तौलिया भोरा। ओके, तो नेक्स्ट ये देखो बच्चों, ये एक लड़की है, यहाँ ये चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये चित्रों को भी एक का ना एक मात्रा यानी कि औ की मात्रा यहाँ है, जैसे कि खिलौना टॉय चौकी स्मॉल स्टूल लौकी बॉटल ग्राउंड पौधा प्लांट। तो इन शब्दों में भी बच्चों औ की मात्रा है, औ की मात्रा देख रहे हो, व्यंजन को औ की मात्रा यहाँ लगाई है, जैसे ल को औ की मात्रा लगाने के बाद लौ, च को लौ, च को औ की मात्रा लगाने के बाद चौ, ल को औ की मात्रा लगाने के बाद लौ, प को औ की मात्रा लगाने के बाद पौधा,
ऐसे ये शब्द तैयार हुए, जैसे कि खिलौना, चौकी, लौकी, पौधा। ओके, समझ में आ गया बच्चों आपको? तो इसी से हमारा ये पाठ बना है, और इस पाठ का नाम क्या है? अवस्वर से बने वाक्य। अवस्वर से बने वाक्य, जैसे कि सौरभ और गौरव साथ साथ पढ़ते हैं। कौशल सौरभ का भाई है। कौशल ने नौकर से लौटने को कहा। गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही है। जौहर फौज में नौकरी करता है। वह औरंगाबाद से कल लौटेगा। तो बच्चों इस पाठ में बच्चों अव की मात्रा के शब्द है, जैसे कि सौरभ और गौरव, कौशल सौरभ, कौशल नौकर लौटने, गौरी और मौली दौड़कर, जौहर फौज औरंगाबाद लौटेगा। ये सारे शब्द अव मात्रा से बने हैं। ये सारे शब्द अव मात्रा से बने हैं। आपको क्या करना है नोटबुक में बच्चों, इस पाठ के ये शब्द लिखना है, अव मात्रा के शब्द लिखना है, जैसे कि सौरभ और गौरव, कौशल सौरभ, कौशल नौकर लौटने, गौरी और मौली दौड़कर। यह इस शब्द के ऊपर आप देख रहे हो बच्चों, एक का ना दो मात्रा, एक का ना दो मात्रा दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आपके नोटबुक में पहले आप लिखना है, ठीक है? पेज नंबर 52 निकालिए, पेज नंबर 52 बच्चों। अब हम देखना है कि ये अव मात्रा की, ये जो अव की मात्रा, जैसे एक का ना और दो मात्रा, ये एक का ना और दो मात्रा है। इन एक का ना दो मात्रा के हमें क्या देखना है? 12 खड़ी देखना है। ये क से ह तक क्या है? व्यंजन है। क से ह तक व्यंजन है, और इसी व्यंजन को औ की मात्रा लगाई, इसी व्यंजन को औ की मात्रा लगाई, क्या हो गया? कौ, खौ, गौ, घौ, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, धौ, नौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ, शौ, शौ, सौ, हौ। तो ये क्या हो गया कि हमने ये 12 खड़ी पढ़ ली। व्यंजन को औ की मात्रा लगाने के बाद ये अक्षर हुए, ये अक्षर हमने पढ़ ली। इसके बाद इन्हीं अक्षरों को शब्द से जोड़ना है, जैसे कि ये औ मात्रा से बने शब्द, ये औ की मात्रा से बने शब्द। जैसे कि हमने ये अक्षर देखे, अभी हमें इन्हीं अक्षरों को शब्द, इन्हीं अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि ये देखो बच्चों कि कौ, क को औ की मात्रा लगाई, कौ हो गया, और इन्हीं व, र और व से हमने व्यंजन को जोड़ लिया, शब्द कौन सा तैयार हुआ? कौरव, नौका, लौट, कोआ, नो, मौन, गौरी, तौल, सो, तोलिया, मौसम, लौकी, चौक, फौरन, पौधा। तो ये क्या हुए? शब्द तैयार हुए, जैसे कि औ की मात्रा से बने शब्द। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। आपके नोटबुक में ये और ये आपको लिखना है। समझ में आ गया? औ की मात्रा से बने अक्षर, औ की मात्रा से बने शब्द। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में बच्चों यहाँ देखो, हर पाठ में यही
आता है, जैसे कि ये चित्र देखकर हमें क्या करना है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखना है। प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र देख रहे हो बच्चों, हम औ का अभ्यास कर रहे हैं, हम औ का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे ये चित्र देखकर हमें औ के ही शब्द देखने हैं। जैसे कि ये क्या है, भौरा, मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी ऐसे ही आपके टेक नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है। भौरा, ये क्या है, नौ, ये क्या है, औरत, ये क्या है, पौधा। जैसे ये जो चित्र देख रहे हो बच्चों, वैसे ही हमारे ये अक्षर है, जैसे कि ये शब्द बने हैं, जैसे कि यहाँ देखो अवसर से बने शब्द, भौरा, नौ, औरत, पौधा। यहाँ देखो एक का ना एक दो मात्रा, एक का ना दो मात्रा, एक का ना दो मात्रा, एक का ना दो मात्रा। जैसे कि हमने ये इस व्यंजन को ये एक का ना दो मात्रा यानी औ की मात्रा लगाई। समझ में आ गया। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे गए व्यंजनों में औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। गिव औ साउंड टू द कॉन्सोनेंट्स गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड्स। जैसे ब बौर, ब बौर, तो ये ब ये व्यंजन है, ब ये व्यंजन है, इसी व्यंजन को कौन सी मात्रा लगाई, कौन सी मात्रा लगाई, औ की मात्रा लगाई और शब्द कौन सा तैयार हुआ, बौर। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ कुछ हमें अक्षर दिए हैं, क ल ग म और स, इन्हीं व्यंजनों को हमें औ की मात्रा लगानी है, हमें औ की मात्रा लगानी है। जैसे कि क है कौवा, क्योंकि हमने ये औ की मात्रा लगाई और कौन सा शब्द तैयार हुआ, कौवा। ल से लौकी, ग से गौरी, म से मौसम, स से सौरभ। तो ये देखो बच्चों, ये सारे एकाना दो मात्रा के ये शब्द तैयार हुए। समझ में आ गया, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। समझ में आ गया, ओके। जैसे ही हमने प्रश्न हमारा पाठ देखा, उसी के ऊपर से ये कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स। पहला प्रश्न है, कौन साथ साथ पढ़ते हैं। बच्चों आपने जब पाठ पढ़ते हो तो ये प्रश्न उत्तर आपको आ जाएंगे। प्रश्न किया है, कौन साथ साथ पढ़ते हैं। उत्तर, सौरभ और गौरव साथ साथ पढ़ते हैं। आप पाठ पढ़ो और फिर उसके बाद ये उत्तर लिखो। दो, कौशल किसका भाई है। उत्तर, सौरभ कौशल किसका भाई है, कौशल सौरभ का भाई है। यहाँ कौशल लिखो, कौशल सौरभ का भाई है। कौशल ने किसको लौटने के लिए कहा। उत्तर, कौशल ने नौकर से लौटने के लिए कहा, कौशल ने नौकर से लौटने के लिए कहा। चार नंबर, कौन दौड़ दौड़ कर खेल रही है, कौन दौड़ दौड़ कर खेल रही है। गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही है, गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही है। पाँच, फौज में कौन नौकरी करता है, कौन नौकरी करता है फौज में। जौहर फौज में नौकरी करता है, जौहर फौज में नौकरी करता है। बच्चों ये जो उत्तर हमने अभी यहाँ लिखे हैं, तो इन उत्तरों में भी यहाँ औ की मात्रा के शब्द है। देखो, देख रहे हो, यहाँ 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 ये सारे क्या है, औ की मात्रा के शब्द है। तो हमारे प्रश्न और उत्तर यहाँ हो गए हैं। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथा, अ अक्षरों को अलग करके लिखिए, स्प्लिट द लेटर्स। हमें क्या करना है, इन्हें अलग करना है। कैसे अलग करना है बच्चों, आपको पता है ना, इन शब्दों के बीच बीच में क्या करना है, प्लस डालना है। जैसे कि देखो मैं यहाँ लिखती हूँ,
ये क्या है? पहला अक्षर शब्द फौरन, तो फौरन का ये फ प्लस एक का ना दो मात्रा यानी औ की मात्रा प्लस र प्लस न, फौरन ये हमने क्या किया, अलग किया, स्प्लिट किया। ये क्या है? दूसरा शब्द कौरव, क प्लस एक का ना दो मात्रा प्लस र प्लस व, कौरव। तीन नंबर चौक, छ प्लस एक का ना दो मात्रा प्लस क, चौक। ओके। चार नंबर तौल, त प्लस एक का ना दो मात्रा प्लस ल, तौल। तो हमने ये अक्षरों को अलग किया। कैसे अलग किया पता चला ना आपको? ओके। प्रश्न चौथा का आ, अक्षरों को जोड़कर लिखिए, ज्वाइन द लेटर्स, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बच्चों? ये प्लस प्लस हमें क्या करना है, निकालना है। जैसे कि यहाँ पहला अक्षर है हमारा म प्लस औ की मात्रा प्लस स प्लस म, तो ये प्लस प्लस निकाल दिया, म प्लस एक का ना दो मात्रा स म, मौसम हो गया, जोड़ लिया हमने। ये क्या है? न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस र, जैसे कि न औ की मात्रा नो क र। ओके। उसके बाद हमें तीन नंबर ख प्लस औ की मात्रा प्लस ल प्लस न प्लस आ की मात्रा, तो हमने ये क्या होता है, अक्षर खोलना, खोलना, ये ऐसे हमने क्या किया, जोड़ लिया, अक्षरों को जोड़ लिया। प्रश्न पांचवा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि यहाँ ये रिक्त स्थान हमें भरना है, रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ कोई शब्द नहीं है, डॉट डॉट सौरभ का भाई है, किसका भाई है, कौन सौरभ का भाई है, गौरव प्रश्न पांचवा, डॉट डॉट सौरभ का भाई है, कौन सौरभ का भाई है, कौशल, कौशल सौरभ का भाई है। यहाँ दो रिक्त स्थान है, डॉट डॉट और डॉट डॉट दौड़ दौड़ कर खेल रही है, यहाँ दौड़ चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, दौड़ दौड़ कर खेल रही है। कौन दौड़ दौड़ कर खेल रही है बच्चों? गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही है। ओके। इसके बाद जौहर डॉट डॉट में नौकरी करता है, कहाँ नौकरी करता है, फौज में। ओके। तो देखो बच्चों, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने की है। यहाँ कौन सा शब्द आता है, कौशल सौरभ का भाई है। दो नंबर गौरी और मौली दौड़ दौड़ कर खेल रही है। तीन नंबर जौहर फौज में नौकरी करता है। ओके। तो ये हमारा आज का जो नया पाठ है, अवका अभ्यास, अवका अभ्यास, ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये पाठ आपको दो बार पढ़ना है, और इस पाठ में से हमारे औ की मात्रा के जो शब्द है वो आपको लिखना है, और औ के अक्षर लिखना है, औ के औ से आने वाले शब्द लिखना है, और प्रश्न और उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।